उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रविवार सोमवार की देर रात से बारिश ने असर दिखाना शुरू किया। गरज के साथ तेज बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि सोमवार शाम 4 बजे तक लखनऊ शहर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बारिश की रफ्तार एक जैसी रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे जल निकासी का कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से अब प्रदेश के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में भारी बारिश के बाद आधी राजधानी पानी पानी हो गई है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त रोशन जैकब सड़कों पर उतरी। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जल निकासी को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। यूपी के मध्यवर्ती इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 घंटों में बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और सीतापुर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने और तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को राजधानी समेत प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। राजधानी में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सोमवार को जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया, कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के लिए आदेश दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। राजधानी लखनऊ में देर रात से हो रही भारी बारिश का असर दिखने लगा है। सड़कों के किनारे लगे पोस्टर और विज्ञापन वाले यूनिपोल को कई स्थानों पर गिरा देखा गया। बड़े बड़े होर्डिंग्स के गिरने के कारण सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम और प्रशासन की टीम की ओर से सड़क को खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है। स्कूल कॉलेजों में घुसा बारिश का पानी। राजधानी लखनऊ के स्कूल कॉलेजों में भी बारिश का पानी घुस गया है। कैंपस में पानी घुसने के कारण इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। राजधानी के लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के कैंपस में 3 फीट तक पानी जमा पाया गया। भारी बारिश के कारण राजधानी के अधिकांश निचले इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया। सड़क पर दिख रही है खतरनाक स्थिति। भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पर भी पानी का भराव हो गया। निचले इलाके में सड़क पर गाड़ियां चलने की जगह तैरती दिखाई दी। 1090 चौराहा से गोमती नगर की तरफ आने के क्रम में निचले इलाके में पानी भराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहीद पथ पर भी लोगों को वाहनों के चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। यहां भी पानी जमा हो गया। शहीद पथ की कनेक्टिंग सड़कों और अंडरपास में भी पानी जमा हो गया है।